सोलन में भाजपा ने 90 लाख में 1 बीघा जमीन खरीदने के लिए दीनानाथ नामक व्यक्ति से इकरारनामा किया। ये इकरारनामा 2016 में हुआ। भाजपा के लापरवाह कार्यकर्ता इकरारनामा कर 4 वर्ष तक अपने कागजात एकत्र करते रहे, लेकिन 118 की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाए। इकरारनामे में लिखा था कि जब भाजपा 118 की अनुमति प्राप्त कर लेगी तब वह 1 वर्ष के भीतर इसकी रजिस्ट्री करेगी। कानून की अच्छी समझ रखने वाले दीनानाथ ने 3 वर्ष पूरा होने के बाद ये जमीन किसी और को 26 लाख रुपए में बेच दी। जब ये बात भाजपा समिति को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अपनी चिर निंद्रा से जागे और जिला अध्यक्ष के माध्यम से पुलिस में जमीन के मालिक दीनानाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। साथ में बिचौलिए जो भाजपा नेता है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए DSP योगेश जोशी ने बताया कि इस मामले में भाजपा नेता की शिकायत पर धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे रिमांड पर लिया गया है। उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। अगर इस मामले में बिचौले बने व्यक्ति की अगर कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीनानाथ ने भाजपा से इकरारनामा कर जमीन को सोलन के किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। इस मामले में गंभीरता से जाँच की जा रही है। ये इसमें जैसे कि आपको मालूम है कि 16/7 इसी महीने 16 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके पदाधिकारियों की तरफ से दर्ज करवाया गया था। ये एक व्यक्ति जो दीनानाथ है जिन्होंने ये जमीन का समझौता किया था इनके रजिस्ट्री करवाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के नाम एक जमीन हो जाएगी। ये लगभग 1 बीघा थी जमीन जिसमें 85 लाख अब तक ये ले चुका था या इसके नाम की जा चुकी थी बैंक के माध्यम से, और परंतु अभी मालूम हुआ कि इसने जो ये जमीन किसी और व्यक्ति को जो सोलन के ही निवासी हैं उनको 26 लाख में बेच दी है और इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। परंतु जो इसके में बिचौला जिसको बोलते हैं जिसने समझौता कराया था, जो समझौते में हस्ताक्षर भी हैं, गवाह भी है, एक मनीष नाम का व्यक्ति है जो भी सोलन से ही ताल्लुक़ रखता है, उसकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और दीनानाथ को पिछले कल गिरफ्तार कर दिया गया है शाम को दरियाफ्त के बाद। अभी जांच जारी है, उसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सर कहां से गिरफ्तारी हुई? ये गिरफ्तारी तो वैसे दरियाफ्त के बाद ही हुई है, लेकिन ये अपने भाई के यहां पर था, उसको वहां से लाया गया या बुलाया गया जो भी था, और पूरी पूछताछ करने के उपरांत ही गिरफ्तारी हुई है इसकी। अभी सर क्या मानते हैं, क्या कुछ इसमें इस केस में निकलना बाकी है? इस केस में देखो अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है और इसमें अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। जिस जो 400 किसी धोखाधड़ी है किस प्रकार से, कौन कौन इसमें व्यक्ति हैं, इसमें किस किस का हाथ है, सब पता लगता है इन्वेस्टिगेशन में। आपको बता दें कि इस जमीन के बिकने के बाद सोलन के कुछ भाजपा नेताओं को लापरवाही का जिम्मेवार समझा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस समिति में सतपाल सती, कृपाल परमार, कपिल सूद, चंद्रमोहन ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल भी शामिल है। इसमें कौन कितना लापरवाह रहा ये तो भाजपा हाईकमान तय करेगा, किंतु अब ऐसे में भाजपा को उसकी जमीन वापस मिल पाएगी या नहीं इस पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि अगर कानून विशेषज्ञों की माने तो इकरारनामा केवल 3 वर्षों तक ही वैध होता है। अगर ऐसा होता है तो वे राशि जो कार्यकर्ता ने पाई पाई जोड़कर बड़ी मुश्किल से एकत्र की थी वे लापरवाही की भेंट चढ़ सकती है।